तो वी कैन स्टार्ट आवर सेशन ठीक है तो अब हमारे पास हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस लेक्चर मतलब मैंने लेक्चर को क्यों प्लान किया वाई आई हैव दिस प्लान दिस लेक्चर ये जो लेक्चर है आई वॉन्ट टू कवर दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ ऑल ऑफ़ योर सब्जेक्ट्स जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं द बेसिक सब्जेक्ट्स द बेसिक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट गेट के अंदर आते हैं बिकॉज इन यू जी सी एट देसो हैव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लाइक आर्टिफिशियन टेलिजेंस है ऑफ अर थिंग आते हैं लेकिन जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट है द कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डट वी कवर इन गेट एग्जामेशन इट इज़ बेटर टू टीच दिस लेक्चर आफ्टर द एंड ऑफ एंटायर सिलेबस एंड इवन आई हैव नॉट प्रिपेयर दिस लेक्चर इन लॉर्ड ऑफ डेप्थ आई कैन इवन प्रपेयर दिस लेक्चर इज मच मच मोर डेप्थ इन अ मच बेटर वे बट यहाँ पर इस लेक्चर का मेन एम क्या है कि ये बताना चाहता है कि मेन जो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनको कैसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है करेक्ट अब ये जो लेक्चर है ये आपके मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं बनाया दिस इज़ नॉट डिज़ाइंड एज पर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बट द सम पार्ट ऑफ दिस आई मीन द लेटर जो इसका पार्ट है लेक्चर का लास्ट लाइक लास्ट जो भी पार्ट रहेगा दैट विल बी दैट इज़ फॉर योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर फो आपके लिए एग्जाम के लिए डिज़ाइंड है बट सम पार्ट और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ डिज़ाइंड नॉट डिज़ाइंड एज़ पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइंड नहीं है अब मैंने ये लेक्चर बनाया क्यों दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि सर अगर हमारे हम तो एग्ज़ाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन हो सकता है राइट आपके क्वेश्चन होगा सर हम तो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और हम तो एग्जाम के लिए फोकस्ड हैं तो आपने इस लेक्चर को बनाया क्यों वट इज़ द बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग दिस लेक्चर देखो वेन यू स्टडी अ सब्जेक्ट जैसे अगर हम लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेटर सपोज वी आर स्टडिंग थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन वी आर स्टडिंग कम्प्यूटर आर्किटिक्चर वी आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट्स लाइक डिजिटल लॉजिक डी बी एम एस राइट अब ये जो सभी सब्जेक्ट हैं दीज आर इंडिविजुअल टॉपिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स बट ये जो सभी सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये एक दूसरे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं व्हाट इज़ आई मीन क्रॉस डिसिप्लिनरी ये कैसे यूज़ करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए जैसे एज आई सेड यू नीड डिजिटल लॉजिक बेसिक्स टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर ओके एंड यू नीड द बेसिक्स ऑफ यू नो आर्किटेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक्स की जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए ठीक है राइट एंड देन यू नीड द बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इफ लेट सपोज यू हैव सीन योर सी प्रोग्रामिंग तो सी प्रोग्रामिंग जो है उसको हमने कैसे डिज़ाइन किया सी लैंग्वेज के लिए एंड हाउ द बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग वर्क्स जैसे हमारे पास एक कंपाइलेशन एरर आता है हाउ केन यू आइडेंटिफाई कंपाइलेशन एरर सो दैट नीड्स द सब्जेक्ट विच इज़ कंपाइलर डिज़ाइन और कंपायलर डिज़ाइन को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी ऑफ कॉम्पटिशन आना चाहिए right? राइट मतलब कहने का मतलब क्या देखो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमने बताया जैसे फॉर एक्जाम्पल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन अगर आपको थ्योरी ऑफ कॉम्पटिशन का कॉन्सेप्ट पता है देन यू कैन स्टडी कंपाइलर डिज़ाइन कि कंपाइलर कैसे काम करता है इफ़ यू नो हाउ द कंपाइलर वर्क्स देन यू विट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग सी प्रोग्रामिंग अगर आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है देन यूल गेट अ बटर क्लियारिटी रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इफ यू नो हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स देन यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग एलगोर्थम्स एंड इफ यू नो हाउ एलगोरथम्स वर्क देन यू कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी रिगार्डिंग डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इफ यू नो दीज थिंग्स देन यू विल गेट अ बेटर क्लियरिटी रिगार्डिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स ठीक है

करेट एंड यू नीड सम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग टू अंडरसटैंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो सभी सब्जेक्ट हैं ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर बेसिकली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है एक सब्जेक्ट का जो बेसिक है वो दूसरे सब्जेक्ट में काम आता है सो बिकॉज ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स टेल्स अस हाउ टू डिज़ाइन अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि वो सभी सब्जेक्ट को इंडिविजुअली तो पढ़ाते हैं जैसे इंडिविजुअली उन्हें पढ़ा दिया सी प्रोग्रामिंग क्या है इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कंपटीशन इंडिविजुअली दे टीच व्हाट इज़ कंपाइलर डिज़ाइन लेकिन ये चीज़ें एक दूसरे के साथ काम कैसे करती हैं ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है वो चीज़ें स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती जब आप अपनी बी को फिनिश कर लेते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर बी आपको एक प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि जो सभी चीज़ें मैंने पढ़ी है जो सभी जो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं इन सब्जेक्ट का यूज़ क्या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट तो आप एंड में क्या बोलेंगे एंड में यू विल से कि सर हमने बीटेक तो कर ली पर बीटेक के बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आए जैसे बीटेक कंप्लीट करने के बाद यू कैन से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की जॉब मिली एंड इंडिया सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जॉब यू कैन से सर डिजिटल लॉजिक क्यों पढ़ा मैंने बीटेक में दर इज़ नो बेनिफिट ऑफ डिजिटल लॉजिक सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आई डोंट हैव एनी यूज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और यू कैन से इफ़ यू से ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट देन सर 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 आई एम ए मशीन लर्निंग साइंटिस्ट तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मैंने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन को क्यों पढ़ा राइट right? तो बीटेक के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास जैसे बीटेक में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं वी हैव स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 48 सब्जेक्ट्स ऑफ बीटेक लेकिन इन सभी सब्जेक्ट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है इंटर लिंक क्या है वो स्टूडेंट्स के अंदर क्लियरिटी नहीं होती वो उनको क्लियर नहीं होता और मोस्ट ऑफ द टाइम नो वेयर इन इंडिया नो वेयर दे टीच द प्रैक्टिकल अपलिकेशन ऑफ दी सब्जेक्ट्स मतलब थियोटिकल तो हम लोग सभी पढ़ते हैं राइट right? बट वो प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं या फिर ये चीज़ें इंटरलिंक्ड कैसे हैं तो वो ये चीज़ें यहाँ पर हमारे बीटेक में हमारे इंडिया में मतलब जनरली नहीं पढ़ाते हैं अभी आज का जो कंप्लीट लेक्चर है सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ शॉर्ट लेक्चर इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर हार्डली आई थिंक इट शुड टेक अस लाइक फाइव टू सेवन आवर्स टू कम्प्लीट दिस लेक्चर तो ऑब्वियसली जो हमारा लेक्चर है वो हमें शिफ्ट्स में करना पड़ेगा एवरी सेशन विल बी ऑफ वन एंड हाफ आवर ईच ठीक है लेकिन इस पूरे लेक्चर का मेन रीज़न जो आइडिया है वो ये नहीं है कि मैं आपको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराऊं इस पूरे लेक्चर का जो मेन आइडिया है जो मेन क्रक्स है वो ये है कि आप ये समझ पाए कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड कैसे हैं अब यहाँ पर मैं इस लेक्चर को एज ए सिंपल टॉपिक ही ले रहा हूँ राइट मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एक सिंपल टॉपिक की तरह ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बट लेटर ऑन इसके ऊपर एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो इन सभी सब्जेक्ट का जो इंटर रिलेशन है वो बनाता है आई हैव अ पी डी एफ फाइल आई वॉज सर्चिंग दैट पी डी एफ फाइल अगर मुझे मिल जाता है देन आई विल सेंड यू तो एक सब्जेक्ट है हमारे पास एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फ्रॉम अ ऑथर तो वो सब्जेक्ट क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर डिजाइन जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट को यूज़ करके जो हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन है वो कैसे किया जा सकता है ठीक है तो इवन दो ये जो सब्जेक्ट है इट शुड बी वेरी वेरी लेंदी इस दिस टॉपिक शुड बी वेरी वेरी लेंदी अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू फोर्टी आवर्स इट शुड टेक मी टू गिव अ ब्रीफ आइडिया और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी है जब आपने सभी सिलेबस को कम्प्लीट कर लिया है आई नो कि आपने इससे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी भी स्टार्ट किया है एंड यू हैव नॉट कवर्ड योर सलेबस तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बेसिक से लेने की कोशिश की है यहाँ पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा बेसिक से लूँ बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ना समझ में आए अगर आपको नहीं समझ में आए डो नॉट गेट डीमोटिवेटेड यहाँ पर डी मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज तो आई नो कि आप लोगों का कवर नहीं हुआ है यू हैव नॉट स्टडीड डिजिटल लॉजिक यू हैव नॉट स्टडीड थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेशन यू हैव नॉट स्टडीड कंपाइलर डिजाइन तो ऑब्वियसली यू गाइज विल टेन टू बी डी आपको समझ में नहीं आएगा वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लेक्चर करेक्ट लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं मोस्ट ऑफ़ द पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस लेकिन एक और चीज़ है कि ये सब्जेक्ट ना ये जो लेक्चर है ये आप तब देखिएगा जब आप सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे मेरे साथ जैसे एक कंपाइलर डिज़ाइन हम लोग सब्जेक्ट करेंगे उसके बाद जब हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट मोर थिंग्स आपको बहुत सारी नई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और इसको एंजॉय भी करेंगे बट लेटर ऑन मैं बाद में भी एक कंप्लीट सेशन लूँगा जैसे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपका एक और नया सब्जेक्ट इन्वेंट करूंगा ओब्वियसली आई कैन इन्वेंट अ न्यू सब्जेक्ट विच विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट्स सभी सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा एंड मोस्ट ऑबली देट विल बी अ लेक्चर जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए इस तरह का लेक्चर ना तो किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है और ना ही ये इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो ना ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी बुक इस तरह की अवेलेबल है बट एनी वेज वो मैं बाद में करूँगा राइट लेटर ऑन आई विल वर्क आउट वर्कआउट ऑन दिस बट लेटर स्टार्ट टू डेज सेशन